मौसम का मिजाज अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी बिहार तक एक और जहां बढ़ती ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में बारिशों का दौर लगातार जारी है। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो है ठंड का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। आने वाले दिनों में जल्द ही शीतलहर जैसे हालात हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली के तापमान में भी गिरावट जो है लगातार जारी है और प्रदूषण का स्तर अब भी खराब है। दिल्ली में 8.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ इस मौसम में सबसे ज्यादा ठंड सुबह दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में आज हिमपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल से लेकर कश्मीर तक कुछ जगह ऐसे है जहां पारा काफी गिर चुका है और तापमान शून्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और रायसीमा समेत भारत के कई इलाकों में आज बारिश होने की संभावनाएं भी जताई है। पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में लगातार जो है बारिश हो सकती है, ऐसा कहना मौसम विभाग का है। वहीं 2 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट की आशंका भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है।